आज असि यहाँ पर जो है बहुत ही बड़ा इवेंट चल रहा है, बहुत ही बड़ा ये ग्रैंड रिसेप्शन चल रहा है न्यामो होते का। क्या लगता है इस बार भी, इस बार जो न्यामो होते जो निकाल पाएगा? हमारा 30 आलो वेस्ट का जितना भी यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हम सब न्यामो होते का साथ है। बिकॉज न्यामो होते हमारा यूथ आइकॉन है, यूथ के लिए काम करेगा और यूथ फ्यूचर के लिए वो काम करेगा, इसलिए हम सब न्यामो होते का साथ है। तो आज यहाँ पर जो काफ़ी लोग आए हैं, कितने लोग आए हैं यहाँ पर हिसाब में, आप कितना एक्सपेक्टेड है यहाँ पर? जो मेरा हिसाब से रिसेप्शन में आज लोग आए हुए हैं 2000 ज़्यादा लोग आए हुए हैं। यहाँ से लेके कहाँ कहाँ में आज रिसेप्शन होने वाला है, कौन आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में कितने गांव में उसका रिसेप्शन होने वाला है? यहाँ से सबसे पहले, यहाँ से जब हम सब निकलेंगे तो सबसे पहले आंगू बस्ती में रिसेप्शन होंगे, और उसके बाद लिपू बागरा में रिसेप्शन होंगे, और उसके बाद दारका में हमारा प्रोग्राम है, उसमें हम सब ये लॉन्च करेंगे। और ये आपका कैंडिडेट है जो न्यामो होते सर हैं, उनको आप किस प्रकार से, अच्छा क्या चीज़ को देख के आप लोग ने इसको सपोर्ट कर रहा है, उसका मेन मोटो क्या हो सकता है? क्योंकि जब से मैंने देखा 30 आलो वेस्ट में आज तक हमारा यूथ के लिए काम करने वाला अभी तक विधायक नहीं आया, तो इस बार हम सब इसलिए न्यामो को सपोर्ट कर रहा है कि जितने भी मेरा यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको वो ज़रूर फ्यूचर का ब्राइटनेस दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, और उसके और न्यामो का अपना ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, अपना बिजनेस लाइन है यूथ के लिए, वो सब कुछ रास्ता दिखाएंगे, इसी विश्वास में हम सब सपोर्ट है। क्या लगता है इस बार भी इस बार निकल पाएगा? जरूर निकल पाएंगे, न्यामो अटर 1000 ज़्यादा बहुत प्लस से जीतेंगे। थैंक यू सर। आज जो है आप लोग का जो कैंडिडेट जो है एमपीटी के जो टिकट लेके आ रहे हैं, और बहुत ही बड़ा ग्रैंड रिसेप्शन चल रहा है बामा चुनाव में, तो क्या लगता है इस बार भी आप न्यामो अटर निकल पाएंगे? इस बार जरूर, यहाँ तो अभी सब देख सकता है, आप खुद भी देख रहा है, हज़ारों का तादाद में उसका सपोर्टर आया हुआ है। हम लोग सुबह 300 प्लस का जो स्कूटर बनाया था गाड़ी में सीरियल नंबर, तो हमने बाइक और स्कूटी में तो वो स्टिकर नहीं लगाया है, लेकिन कार में हम लोग स्टिकर लगाने का काम किया था, तो सीरियल नंबर 1 सीरियल नंबर 2, तो हम लोग 300 का बनाया था, तो वो भी नहीं जुड़ा है अभी भी फिलहाल। 200-300 गाड़ी अभी भी खाली है। तो इस बार जो है आपका जो अपोजिशन कैंडिडेट है उसका भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जा रहा है, देखा भी जा सकता है, तो क्या लगता है इस बार टकराव किस तरफ से होगा? ये तो सही बात है, और एक रूलिंग पार्टी है और हमारा जो है एनपीपी है, तो हम लोग अभी देखता है, माहौल तो दोनों का ही टकराव है, लेकिन हम लोग उम्मीद रख रहा है क्योंकि जनता हम लोग को ज़्यादा प्यार कर रहा है। आज यहाँ पर जो काफ़ी लोग देखने को मिल रहा है, लेकिन कितने लोग आए होंगे इस मौके पर? इसमें हम लोग का गाड़ी किसी भी गाड़ी में खाली नहीं है, जो चार पहिया है उसमें बढ़ बढ़ के आया हुआ है, और अभी 2-3 गाड़ी और बासर से हम लोग हायर कर रहे हैं, जो न्योराक से अभी होके हम लोग का साथ आलोच है, तो उसका हिसाब से मेरा ख्याल से 1500 से नीचे नहीं है। बाकी तो हम लोग यहाँ से कुबू एरिया से तो हम लोग किसी को बुलाया नहीं है, क्योंकि वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है बोल के, तो हम लोग ये जो ओपी पाया और काम और ये मर्ग एरिया से आया है। अभी ऐसे देखने को मिल रहा है कि टाउन में भी बहुत ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम, इसको किस तरह से आप लोग नहीं, इसमें हम लोग उसको ध्यान में रख के हम लोग टाउन में कोई प्रोग्राम नहीं बना रहे, हम लोग अभी यहाँ से सीधा दारका बस्ती और गाड़ी को भी हम लोग हमें दारका ग्राउंड में पार्किंग कर, ट्रैफिक को हम लोग ने डिस्टर्ब करने का वो नहीं किया, टाउन में बिल्कुल हम लोग का प्लान नहीं है। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये, आपका जो कैंडिडेट है काफ़ी मशहूर है, लेकिन आप लोग क्या चीज़ को लेके इसको धूमधाम से सपोर्ट करते हैं? देखिए असी न्यामो अटे MLA कैंडिडेट जो है उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री जो है, अगर हम यहाँ मीडिया में बोलेगा तो कंप्लीट नहीं होगा, वो स्पेशली एजुकेशन सेक्टर के लेकर हम लोग युवा उसको ज़्यादा इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि हमको उनका साथ में फ्यूचर दिखता है, और जो आने वाला पीढ़ी है उसके लिए भी वो बहुत सारा उसका मैनिफेस्टो है, पर्सनल मैनिफेस्टो है, एजुकेशन, हेल्थ और बहुत सारा है, कनेक्टिविटी और जो नया नया आइडिया जो सेल्फ एम्प्लॉय के लिए बहुत सारा है, तो उसको हम लोग बाद में कैंडिडेट जो है मैनिफेस्टो जारी करेगा अपना, और पार्टी का मैनिफेस्टो होगा उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू राइट।